वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग बॉक्स। और आज जो हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू रिमूव द प्राइसिंग सेक्शन, ऑटोमेटिक प्राइसिंग सेक्शन इन अमेज़न। सो हियर दिस इज माय अनदर वेबसाइट, गो टू द एडिट सेक्शन। मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप उस ऑटोमेटिक प्राइसिंग को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अगर विजिट ओपन इन ए न्यू टैब विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्राइसिंग है, ये आप लोग नहीं चाहते कि प्राइसिंग आप लोग दिखाए, कि अमेज़न एफिलिएट साइट पे आप लोग प्राइसिंग लोग दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि ये प्राइसिंग दिखाने की दो फायदे दो नुकसान भी हो सकते हैं। एक तो अगर मतलब किसी ने अगर बाय नाउ पे क्लिक करके मतलब परचेस करने की कोशिश किया और यहाँ पर अगर किसी कारणवश आपने एपीआई आईडी नहीं दिया और यहाँ पर कोई प्राइसिंग है और यहाँ पर कोई प्राइसिंग है, सॉरी इस जगह पे कोई प्राइसिंग है, आपके एफिलिएटेड साइट पे कोई प्राइस और दूसरा कोई प्राइसिंग है, तो अमेज़न को इससे प्रॉब्लम है, तो आपका जो अकाउंट है अमेज़न एसोसिएट अकाउंट वो सस्पेंड हो सकता है। तो मेरा सुझाव ये है कि मेरा जो सजेशन है, आप लोग इसको जो है प्राइसिंग जो सेक्शन है उसको मतलब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि इस बंदे ने मतलब किसी बंदे ने यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पर आके 24 आवर्स में किसी इस चीज़ को नहीं तो दूसरे किसी चीज़ को मतलब परचेस किया, तो उसका भी कमीशन आपको मिलेगा, तो इसका ये डबल फायदा है। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि इस प्राइसिंग को जो है उसको ऑफ करना चाहते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑटोमेटिक जो है वर्डप्रेस प्लगइन लगा के रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है आईडी और यहाँ पर जो है अमेज़न का एपीआई की लगेगा। तो एक की जो है आपको बंद करना पड़ेगा, मतलब एक की जो है आपको नहीं देना पड़ेगा। कैसे मतलब यहाँ पर की देने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर अपडेट अमेज़न प्रोडक्ट प्राइस डेली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, की को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक काम कीजिए, गो टू ऑल कैंपेन, यहाँ पर लगभग मान लीजिए मैं एक न्यू कैंपेन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो न्यू कैंपेन रिगार्डिंग कुछ भी हो गया कि लैपटॉप, तो लैपटॉप यहाँ पर हो गया, यहाँ पर अमेज़न कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं लैपटॉप। और बिल्कुल इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, लैपटॉप यहाँ पर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। और अगर इस को आप खरीदना परचेस करना चाहते हैं कि 200 रुपीज़ में, क्योंकि इसका प्राइस 3000 के आसपास है इस प्लगइन का, वर्डप्रेस प्लगइन का, तो आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे मेल कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल मैं हेल्प करूंगा कैसे आप 200 रुपीज़ में या $2 या $3 में आप लोग परचेस कर सकते हैं, और वायरस फ्री, कोई भी वायरस नहीं होगा गारंटी। जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी वायरस नहीं होगा, एकदम बिल्कुल जीप फाइल आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हैं, वायरस फ्री है या नहीं है चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका जो है वायरस टोटल पे जाके आप लोग वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। लैपटॉप लिखते हैं तो कोई भी प्राइस नहीं होगा, लैपटॉप इन कोलकाता, लैपटॉप
प्राइस ने अर्मी और बेस्ट प्राइस बेस्ट लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000 बेस्ट लैपटॉप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन अंडर 5,000। सो मैं दिखाने के लिए यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो है amazon.com जो है इंडिया में बिल्कुल वैलिड नहीं है, तो amazon.in कीजिएगा और यहाँ पर बिल्कुल इसको छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है मैं दिखाऊंगा यहाँ पर क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट में आके देखिए कुछ कर सकते हैं या नहीं सेट कर सकते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी करना है इमेज में कर रहा है, तो आप लोग बिल्कुल देखिए इसको छोड़ के ए वाले तीन में टिक कर देना होगा। सेट द इमेज ऑल्ट टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट इफ नो ऑल्ट एग्जिस्ट एट द सोर्स सेट द ऑल्ट टू द पोस्ट टाइटल ओके। और यहाँ पर एक फ्री प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, डोंट सेव द इमेज टू माई सर्वर, क्योंकि अमेजन का सर्वर बहुत बड़ा है, तो इसीलिए आपको जो है सब कुछ इस प्लगइन में सेव करना पड़ेगा और अपने सर्वर में सेव नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्लगइन इसके लिए है, क्योंकि अगर अमेजोन साइट से सारा का सारा इमेज जो है यहाँ पर फेच करके आप लोग सेव करेंगे तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करेंगे, कैटेगरी कैसे बनाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोस्ट में जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए न्यू ओपन इन ए न्यू लिंक, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, कैटेगरी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ लैपटॉप स्मार्ट में लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। सो मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ, सेम टू सेम रखिए लैपटॉप, कोई ज़रूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप लोग दे सकते हैं कि लैपटॉप कैसे कैसे लैपटॉप मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप बेस्ट लो प्राइस गेमिंग लैपटॉप बेस्ट लो प्राइस गेमिंग लैपटॉप। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ अपलोड कर सकते हैं SEO के लिए इमेज वगैरह। तो मैं काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर पिक्सबे बहुत एक लिजिट साइट है जहाँ से आप लोग इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। लैपटॉप लिखता हूँ मैं, लैपटॉप आइकॉन ले लेते हैं तो उससे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लैपटॉप तो सर्च करते हैं लैपटॉप आइकॉन को छोड़ के सर्च करते हैं लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप क्या होगा। तो यहाँ पर ए वाला इमेज जो है मुझे ठीक ठाक लग रहा है, तो इसको डाउनलोड करते हैं। बिल्कुल छोटा इमेज डाउनलोड कीजिएगा PNG फाइल में लैपटॉप, तो ये डाउनलोड हो गया। तो फिर एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग जाएंगे कैटेगरीज में, चूज़ द फाइल अपलोड सिलेक्टेड एंड देन डाउनलोडेड में होगा शायद, यस डाउनलोड। और यहाँ पर से हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, जो लोग मतलब आँखों से देख नहीं सकते वो लोग यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट से उनको सर्च करने में प्रॉब्लम सर्च करने में हेल्प होगा। लैपटॉप यहाँ पर लिखते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। सो यहाँ पर कुछ कैप्शन देते हैं, तो एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लगइन है। आप लोग अगर परचेस करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो यहाँ पर
ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं, तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, इस जगह पे यहाँ पर हम लोग सेटिंग्स कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो कैनोनिकल टैग्स यहाँ पर स्पिन कर दीजिए इसको, डोंट स्पिन द टाइटल एंड लिंक्स, यहाँ पर कैनोनिकल लिंक्स। और इससे क्या होगा, अगर यहाँ पर क्लिक नहीं किया तो व्हेन ए पोस्ट फ्रॉम योर साइट गेट शेयर टू फेसबुक या कोई भी फेसबुक में आप लोग शेयर करने जाओगे तो ओरिजिनल साइट का जो लिंक है वो दिखेगा, इसलिए कैनोनिकल टैग का जो है एक क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन सेव टू ड्राफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक कैटेगरी ऐड किया है। देन मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर कैटेगरी दिखेगा, लैपटॉप का कैटेगरी जो है वो दिखेगा, लैपटॉप यहाँ पर शायद जो कैटेगरी हम लोगों ने सेलेक्ट किया, ऐड न्यू कैटेगरी यहाँ पर करते हैं, फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, फिर से रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर कैटेगरीज दिखेगा जिसमें कोई भी पोस्ट नहीं होगा, अप्रैल ड्रोन एडुकेशन, देन कंप्यूटर रिपेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज हैं। और यहाँ पर लैपटॉप देखिए जीरो पोस्ट है, आईडी नंबर जो है 73। देन आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सभी सेटिंग्स एक बार देख लीजिए क्या क्या करना होगा, और फिर प्राइजिंग के लिए जो मैंने बोला था कि प्राइजिंग जो है इस सेक्शन को हम लोगों को हटाना है, तो यहाँ से लेके दिस फ्रॉम दिस थिंग्स टू दिस थिंग्स अब लोगों को इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो इस यही था आज का जो है मेन ट्यूटोरियल का मेन रीज़न। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो इस एफिलिएटेड प्लगइन को परचेस करने के लिए, फिर कुछ नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट जो है वो करता रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। देन पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिश करने के बाद देखिए यहाँ पर अमेज़न है, amazon.in है, क्योंकि amazon.com इंडिया में वैलिड नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट वैलिड इन इंडिया amazon.com। सो यहाँ पर देखिए रन करने के बाद ये ऑटोमेटिक फेच करने लगेगा amazon से, यस, देन दिस वन, नाउ क्लिक ऑन न्यू टैब, सी दिस प्राइजिंग इज ऑफ। सो यहाँ पर प्राइजिंग कुछ भी प्राइजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये वेरी यूजफुल थिंग्स है, देखिए यहाँ पर जो इसका जो प्राइजिंग है हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर क्लिक करना होगा तो कोई अगर इंटरेस्टेड होगा तो प्राइजिंग देखने के लिए क्लिक करेगा, तो क्लिक करने के बाद अगर इसको पसंद नहीं कि इतने पैसे हम लोग दे नहीं सकते, ऐसा अगर किसी बंदे ने चाहा कि इतना मतलब रुपीज़ दे के हम लोग इस लैपटॉप को नहीं परचेस करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे रिलेटेड आइटम्स है, अगर वो परचेस करता है या अपग्रेडेड वर्सन्स अपग्रेडेड थिंग्स परचेस करता है तो उसका भी कमीशन आपको मिलेगा अगले 24 आवर्स में अगर इसी लिंक से वो आके परचेस करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो है इसको जब भी आप नया कोई पोस्ट करो तो इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो प्राइजिंग ऑफ करने के लिए, बिल्कुल प्राइजिंग ऑफ करने के लिए आपके पोस्ट में। देखिए यहाँ पर कोई प्राइजिंग नहीं है, अगर कोई भी बंदा चाहा कि इस लैपटॉप का बहुत ही अच्छा फीचर है तो मैं परचेस करना चाहता हूँ, ऐसा अगर किसी ने चाहा तो बिल्कुल उस पे लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है। और अगर उसने देखा कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, इस लिंक पे क्लिक नहीं करेगा। तो इसका एडवांटेज ऐसा है कि प्राइस को मत दिखाओ, क्योंकि प्राइस तो हमको प्राइस से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर फीचर्स बोलना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कैसे प्राइस को ऑफ करना है ऑटोमेटिक वर्डप्रेस प्लगइन में। तो इस वीडियो को अगर आप लोग सोचते हैं कि ठीक है कोई अच्छी बात है, हम लोगों ने एक नया कुछ सीखा,
तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, और मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज के दिन में सभी जानते हैं एक चैनल को ग्रो के लिए सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि इस चैनल ग्रो करे, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।